क्वेश्चन ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक डंबल रखा हुआ है और एक बॉल भिन्न वेलोसिटी से मूव करते हुए डंबल के एक बॉल से कोलाइड करता है, और कोलिजन के बाद जो बॉल है वो सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वापस लौट जाता है। तो कोलिजन के बाद डंबल का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, पर गिवन है कि सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वड है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वन हो जाती है। अगेन डंबल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी टू हो जाती है और डंबल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कि ज़ूम करते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ भी वन हो जाती है, जो डंबल है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ वी टू हो जाती है, और अगेन डंबल की एंगुलर वेलोसिटी इसके सेंटर के अबाउट इस तरफ ओमेगा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर वी वन, वी टू और ओमेगा तीनों का डायरेक्शन हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर वी वन को हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ज़ूम कर सकते हैं, सिमिलरली वी टू को भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ज़ूम कर सकते हैं, और ओमेगा को भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में ज़ूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर तीन वेरिएबल है, तो कन्फर्म है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन रिक्वायर्ड है, और हमारे पास तीनों इक्वेशन अवेलेबल है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है। अगेन जो सेकेंड इक्वेशन है वो आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो अब करना ये है कि तीनों इक्वेशन को फॉर्म करना है। और एक बात कि यहाँ पर हम सिर्फ दो इक्वेशन को लिखेंगे, और जो एनर्जी वाला इक्वेशन है उसके बदले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि हम इजी कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो वी हैव इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इनिशियली ये जो बॉल है उसका मोमेंटम इस तरफ एम वी नॉट है, प्लस इनिशियली डंबल रेस्ट में था तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है जीरो हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद जो बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी वन से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी वन। ठीक है, और जो डंबल है उसका मोमेंटम हो जाएगा मास दैट इज एम प्लस एम, टू एम इंटू वेलोसिटी वी टू। ठीक है, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, बोथ मस्ट बी सेम बिकॉज द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, मास मास कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी वन प्लस टू वी टू, दिस इज इक्वेशन वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं कि कोलिजन के समय बॉल और डंबल के बीच जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है, इसलिए किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि डंबल के सेंटर के नीचे ग्राउंड पर जो पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा ये है कि उसमें वी टू का टर्म्स नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट
सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे ताकि जो इक्वेशन हो वो थोड़ा इजी हो, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस बॉल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो जाएगा एम इंटू वी नॉट इंटू आर, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग है, ठीक है, और इस लाइन पर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही वाला हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल बाई टू की इक्वल है, ठीक है। इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एल बाई टू की इक्वल है, ये एल बाई टू है और ये हो जाएगा एल बाई टू साइन 45, दैट इज एल बाई टू इंटू 1/√2, ठीक है। एल बाई टू इंटू 1/√2, और अगेन जो डायरेक्शन है वो जाएगा आउट ऑफ द बोल्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो ये वाला डायरेक्शन है दिस एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डम्बेल विच इज जीरो, ठीक है, क्योंकि इनिशियली जो डम्बेल था वो रेस्ट में था, इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी वन इंटू सेम डिस्टेंस, दैट इज एल बाई टू इंटू 1/√2, और जो डम्बेल है उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। तो सेंटर के अबाउट ये जो बॉल है उसका मोमेंट इनर्शिया हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, दैट इज एम इंटू एल बाई टू होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक बॉल का मोमेंट इनर्शिया दोनों बॉल के लिए इंटू टू कर देंगे इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट, तो इसमें एम और एल दोनों को कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा वी नॉट बाई 2/√2, ठीक है, इक्वल टू एम और एल कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस वी 1/√2 प्लस ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू, एम और एल कैंसिल, ये हो जाएगा एल बाई टू इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर टू कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इंप्लाई दैट रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव वी नॉट इक्वल टू माइनस वी वन प्लस रूट टू इंटू ओमेगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इक्वेशन वन और टू से ये दोनों बिल्कुल सेम है, सो वी हैव दिस इक्वल टू दिस, दैट इज 2v2 विल बी इक्वल टू √2 ओमेगा एल, ठीक है, दैट इज v2 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई √2, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, लेकिन हम क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम अप्लाई करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो कन्फर्म है कि ये दोनों बॉल के बीच जो कोलिजन है वो प्योरली इलास्टिक है। तो अगर कोलिजन प्योरली इलास्टिक है सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, तो हम इसी लाइन के लॉन्ग अप्लाई करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्योंकि ये बॉल जब इससे कोलाइड करेगा तो दोनों बॉल एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के लॉन्ग होगा, ठीक है।
दैट इज वाई दिस लाइन इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, अगेन सेंटर के रेस्पेक्ट में ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, मतलब इसके नॉर्मल ओमेगा इंटू एल बाई टू. ठीक है, सेंटर के रेस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी इस लाइन के नॉर्मल इस तरफ हो जाएगी ओमेगा एल बाई टू. तो इस बॉल की जो नेट वेलोसिटी होगी वो वी टू और ओमेगा एल बाई टू दोनों का रिजल्टेंट होगा. ठीक है, मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी इस तरफ ओमेगा एल बाई टू है, और जैसे ही हम सेंटर से ग्राउंड पे आएंगे तो हमें वी टू को इसमें ऐड करना पड़ेगा ऐसे. ठीक है, तो इस तरह से इस बॉल की जो नेट वेलोसिटी है वो वी टू और ओमेगा एल बाई टू दोनों का रिजल्टेंट होगा. ठीक है, लेकिन हमें इस बॉल की वेलोसिटी इस तरफ चाहिए अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ये हो जाएगा वी टू प्लस कंपोनेंट ऑफ ओमेगा एल बाई टू अलोंग दिस डायरेक्शन. तो अगेन ये जो एंगल 45 डिग्री है, तो इस बॉल की वेलोसिटी इस तरफ, मतलब इस बॉल की वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हो जाएगी वी टू प्लस ओमेगा एल बाई टू इंटू वन बाई रूट टू. ठीक है, और ये जो बॉल है उसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इस तरफ वी वन है, सो द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू वी वन प्लस दिस मच. ठीक है, वी वन जो है इस बॉल की वेलोसिटी इस तरफ है, और ये जो है वो इस बॉल की वेलोसिटी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस मच बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो वी नोट है. ठीक है, क्योंकि इनिशियली डम्बल रेस्ट में था. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वी नोट. ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने की जगह पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन अप्लाई किया है. इससे फ़ायदा यह है कि इसमें स्क्वायर टर्म नहीं आएगा. ठीक है, तो अब हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इम्प्लाई दैट तो वी टू ओमेगा के टर्म्स में है, तो अगर हम वी वन को वी टू के टर्म्स में ले आए तो वहाँ से वी टू और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी. क्या करते हैं कि इक्वेशन वन से वी वन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. वी वन इज इक्वल टू टू वी टू माइनस वी नॉट, टू वी टू माइनस वी नॉट ये हो गया वी वन प्लस वी टू प्लस अगेन दिस इज वी टू बाई टू. वी टू बाई टू इक्वल टू वी नॉट. ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट टू वी टू प्लस वी टू प्लस वी टू बाई टू हो जाएगा सेवन बाई टू वी टू इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा टू वी नॉट. ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट सेवन बाई टू इंटू वी टू, तो वी टू को वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज ओमेगा एल बाई रूट टू. ठीक है, दिस इज इक्वल टू टू वी नॉट, सो फाइनली वी हैव ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा फोर रूट टू इंटू वी नॉट डिवाइड बाई सेवन एल. सेवन एल ये आंसर हो गया. ठीक है, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.